अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहनाज इंटरव्यू दिया तोड़ी चुप्पी, शेफाली बग्गा ऐसी है वो। जी हाँ दोस्तों, शहनाज के ख़िलाफ़ जो नेगेटिविटी होती है ना, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि शहनाज अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करती है कि शहनाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहनाज के न्यू प्रोजेक्ट, शहनाज के आने वाले पेंडिंग में प्रोजेक्ट, जैसे कि ये सरप्राइज़ था कि शहनाज ने इतना बड़ा शो जहाँ शहनाज ही शहनाज छाई हुई थी लेकमे फैशन वीक का। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर शहनाज का ही जादू चढ़कर बोल रहा था। शहनाज का ये अवतार देख के हर फैंस चौक से गए थे कि शहनाज इसमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन लग रही थी। जी हाँ दोस्तों, शहनाज में ये कलर भी बहुत ज़्यादा किल कर उठ रहा था, पहचानने में नहीं आ रही थी, लेकिन शहनाज इस मेकअप में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी दोस्तों, क्योंकि हमारी शहनाज गिल। जी हाँ दोस्तों, शहनाज को लोग कहते हैं कि शहनाज नाटक करती, एक्टिंग करती कैमरे के सामने, लेकिन दोस्तों BB13 में शेफाली बग्गा भी थी, जहाँ शेफाली बग्गा ने इंटरव्यू में भी कहा था कि शहनाज ऐसी है, प्यारी सी, भोली सी। मैंने शहनाज को बहुत कुछ कहा था लेकिन शहनाज ने मुझे माफ़ कर दिया। शहनाज और मेरी दोस्ती बाद में हुई और हम बहुत अच्छे दोस्त बने, हम बाहर भी मिले थे। जी हाँ दोस्तों, हमने बाहर की क्लिप भी शहनाज की शेफाली बग्गा के साथ देखी थी। दोस्तों शहनाज के खिलाफ क्या कुछ नेगेटिव आता है, लेकिन शहनाज उन सबसे ऊपर बढ़कर निकलती है, अपनी प्रोजेक्ट से सबको मुँह तोड़ जवाब देती। दोस्तों आपने मुझे कमेंट्स में बताइए, शहनाज के खिलाफ ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं।